आप इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और मैं सोच रही हूं कि आप दिल्ली आए क्यों हैं? केजरीवाल जी ने बुलाया इसलिए आए हैं, उनका स्कूल मॉडल देखने के लिए आए हैं, उनका मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए आए, क्योंकि वाकयुद्ध चल रहा है ना आपका सोशल मीडिया पर। केजरीवाल जी एक म्यूनिसिपैलिटी का मेयर जैसा है, मैं एक स्टेट का सीएम हूं, दिल्ली तो एक म्यूनिसिपैलिटी ही है, पर देश की राजधानी भी है। देश का राजधानी है, इसीलिए पार्लियामेंट हाउस मोदी जी बना रहे हैं, नया पार्लियामेंट हाउस। केजरीवाल जी मोहल्ला क्लिनिक बना रहे, मोदी जी एम्स बना रहे, तो मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनना चाहिए। मोहल्ला क्लिनिक में देखा हूँ बाहर से, अगर आज भी आप 2022 में भी आपका अगर हेल्थ केयर का स्टैंडर्ड इन द नेशनल कैपिटल वो मोहल्ला क्लिनिक होता है, ये देश के लिए बहुत अपमान का बात होता है। आसाम के लिए हो सकता है, लेकिन इन द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया जो देश का फिफ्थ इकोनॉमी है, उसमें अगर मोहल्ला क्लिनिक इज द स्टैंडर्ड ऑफ योर हेल्थ केयर, देन आई एम सॉरी। तो आप लोग क्यों आपस में लड़ रहे हैं? जनरली तो आपकी जो लड़ाई होनी चाहिए वो आपके विपक्षियों से होनी चाहिए, केजरीवाल आपको क्यों आड़े हाथों ले रहे हैं? देखिए, केजरीवाल जी का साथ मेरा लड़ने का समय भी नहीं है, और मेरा पास इतना मतलब टीवी में जाके एडवर्टाइज देना, विज्ञापन देना, इतना मेरा पास साधन भी नहीं है। तो मैं मेरा अपना काम करे, वो अपना काम करे, बस इतना ही है। वो तो कह रहे हैं बुलाइए मुझे, असम बुलाइए। बुला दिया ना, आप टाइम तो दे ही नहीं रहे। मनीष सिसोदिया को बुला दिया ना, कोर्ट से उनका नोटिस आ चुका है। आप कोर्ट में बुलाए उनको? क्यों भाई, आप और हम तो दोस्त नहीं है, तो थर्ड पार्टी ही तो आपको बुलाना चाहिए, मैं आपको क्यों बुलाऊं? आप तो मेरा दोस्त नहीं है। आप बोलिए मोदी जी जिंदाबाद, मैं आपको बुलाऊंगा। अगर आप मोदी जी जिंदाबाद नहीं बोलते हैं, या तो आप टिकट करके आसाम जाइए, या तो थर्ड पार्टी से आपको इतना आना ही है तो थर्ड पार्टी आपको बुला लेगा। तो ये थर्ड पार्टी ईडी आईटी मेरा तो कोर्ट है, मेरा तो कोर्ट है, मैं तो कोर्ट में जाके एप्लीकेशन किया। हाँ, क्योंकि जो मोदी जिंदाबाद नहीं बोलता है उनके ऊपर आजकल ये थर्ड पार्टियां बड़े दबाव डाल रही है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। जो लोगों को ये डरता है, अगर मुझको आप कहीं भी बुलाइए, मैं कहीं भी चला जाऊंगा। अगर सीबीआई ईडी आपको बुलाता है, जाने में क्या प्रॉब्लम है? जाके देख के आइए कि देश का सीबीआई ईडी सिस्टम क्या है। नहीं, पर वो ये कहते हैं कि सिर्फ बीजेपी के राज्यों में ईडी सीबीआई छापे नहीं मारेगी। देखिए, सिर्फ उन्हीं राज्यों में छापे मारेगी जहां पर विपक्ष है। देखिए, बीजेपी का स्टेट में मोदी जी का शासन चलता है, कोई करप्शन होने का स्कोप ही नहीं होता है। मोदी जी का आप अगर कॉन्टेक्ट में आते हो तो धीरे धीरे आप रत्नाकर से सचमुच वाल्मीकि बन जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं ये सच बात, ये वो वॉशिंग मशीन है जिसमें आपके दाग धुल जाते हैं। देखिए, दाग नहीं धोता है, अगर आपका कोई दाग है वो दाग रहेगा, लेकिन आगे से अगर मोदी जी का आप संस्पर्श में आते हो तो आप देशभक्त बन ही जाते हैं।